इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, हर एक माता में जिज्ञासा होती है, अपने माता को प्यार करो, क्योंकि उनकी वजह से हम इस धरती पे आए हैं, उनके ख्याल रखने की वजह से हम यहाँ पे हैं, जिंदा है, उनके संस्कार अपने पे है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को कुछ सिखा पा रहे हैं। तो अपनी माओ को, पापा को बहुत ज्यादा प्यार दो, अच्छा उनको बहुत रिस्पेक्ट दो, जैसे कि आप महाराज जी को रिस्पेक्ट देते हो, जैसे जिजाऊ माता को रिस्पेक्ट देते हो, वैसे ही अपने भगवान को रिस्पेक्ट देते हो, वैसे माँ और पापा अपने भगवान, कहीं पे कम नहीं लेकिन ज्यादा जरूर। आप अगर ये बोलोगे कि भगवान से ज्यादा है, यस माँ पापा भगवान से 100 नहीं 2000 टक्के ज्यादा, तो अपने माँ पापा को हमेशा रिस्पेक्ट दो, उनको प्यार दो, क्योंकि मम्मी पापा को दुखाने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, अगर वो खुश तो हम खुश, इतना याद रखना हमेशा, उनका आशीर्वाद अपने सर पे हो ना यार। तुम दुनिया जी इतना भी थकार के आ जाओ घर पे, तुम्हारे माँ का या पापा का हंसरा चेहरा दिख जाए, थकवा निकल जाता है, घर से निकलते वक्त माँ आपको बाय बाय करे, पापा आपको बाय बाय करे, पूरा दिन अच्छा है, मोटिवेटेड हो जाता है बंदा ये दिन भर लड़ने के। तो उनको रिस्पेक्ट हमेशा दे, हमेशा अपने दिल में फर्स्ट प्रायोरिटी दे, चाहे तुम्हारे लाइफ में कोई भी आए, कितने भी फ्रेंड्स आए, कुछ भी आए, घर में तकरारें होती रहती है, माँ से झगड़ा होता है, पापा से झगड़ा होता है, लेकिन अपनों में ही तो तकरारें होती है, और झगड़ों को कभी डिसरिस्पेक्ट में तब्दील मत होने, झगड़े होते हैं रुक जाते हैं, लेकिन प्यार वैसे बरकरार होना चाहिए और रहना चाहिए।